सो गाइस, तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो गाइस, आज हम आप लोगों को कोई भी कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताने वाले। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी यूट्यूब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जो अपना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच नहीं हो पा रहे हैं। कुछ इस तरह का आप लोग को वहां पे दिख रहा होगा, जो आप कोई भी अनदर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो ये यूट्यूब की तरफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसे आप यदि सॉल्व भी कर दे तो बहुत लोगों का क्या हुआ है, जो सॉल्व करने के बाद उन लोगों का अकाउंट फिर उसी तरह से हो गया। तो फिर से जाकर आप क्लियर कैसे कीजिए, इसके बाद फिर से आगे आप उसको ओपन कीजिए, तब ये होता है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो ये किस तरह से होगा, और इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से फिक्स करेंगे। तो यदि आप लोग भी इसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के पॉइंट तक देखिए, और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में हम जाते हैं, और यूट्यूब में जाने के बाद आप लोग जैसे अपने इस पर क्लिक करते हैं, अपने लोगों पे या अपने प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करते हैं, और दूसरे अकाउंट में स्विच होने के लिए यहाँ पे जो क्लिक करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह का आ जाता है, एन एरर अकर्ड लिखा हुआ था, यानी आप इसमें से किसी अनदर अकाउंट में अभी नहीं जा पा रहे। इसमें आप कितना भी बार क्लिक कीजिएगा तो उसमें हम नहीं जा पाएंगे। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, और इसका जो लास्ट मेथड है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पॉइंट तक देखते रहिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे YouTube सर्च कर लेना है। YouTube जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आप लोगों का YouTube आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना YouTube अपडेट कर लेना है। मैंने अभी अपना YouTube अपडेट कर लिया है, आप लोग भी अपना YouTube अपडेट कर लीजिए। YouTube अपडेट करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, चले जाना अपने फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को सिंपली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और ऐप मैनेजर यानी तो ऐप वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप ऐप वाले ऑप्शन में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा YouTube का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, YouTube वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। YouTube वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है, तो देन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा स्टोरेज एंड कैश। आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है, और आप लोगों को सिंपली क्या करना है, क्लियर कैश कर देना है, और क्लियर कैश करने के बाद आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा क्लियर स्टोरेज वाला ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो यानी आप लोगों के YouTube में जो जो भी डाटा था वो सारा का सारा डिलीट हो चुका है। अब चलिए इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं, देन इसको YouTube को फिर से ओपन करके देखते हैं जो YouTube में वो सब आया या नहीं आया। तो YouTube में जाएंगे, YouTube में जाने के बाद YouTube को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कुछ नया पेज आप लोगों के सामने खुल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने लोगो वाले प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मिल जाएगा साइन इन वाला ऑप्शन। आप लोग सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और देखिए आप लोगों का सारा YouTube का जितना भी अकाउंट था सारा का सारा आ चुका है। तो आप जिस भी अकाउंट में स्विच होना चाहते हैं उस अकाउंट में स्विच हो जाए, और देन आप लोग को अब जो किसी भी अकाउंट में स्विच होना है तो उस यहाँ पर क्लिक करके सारे के सारे अकाउंट आप लोग को आ जाएगा। आप लोग जिस अकाउंट में जाना चाहते हैं उस अकाउंट में जा सकते हैं। दूसरा बात यह है, जो कभी कभार क्या होता है, इस तरह से कर देने के बाद भी बहुत लोगों का वो फिक्स नहीं हो पाता है, उसी तरह से रह जाता है। तो मैं उसको एक ही बात कहना चाहूँगा, जो एक पेशेंस रखिए, खुद ब खुद यूट्यूब का ये जो अपडेट है वो बाद धीरे धीरे हट जाएगा, या यूट्यूब का जो ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसका भी जो प्रॉब्लम होगा यूट्यूब से वो भी सॉल्व हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।